आदिशक्ति अलौकिक उपचार ऋषि परंपरा का अद्भुत वरदान पथरी के कारण ऑपरेशन करवाना अब आपकी मजबूरी नहीं। आप जी सकते हैं शुगर मुक्त जीवन। जोड़ों के दर्द से मिलेगा छुटकारा। प्राकृतिक जड़ी बूटियों की शक्ति माँ आदिशक्ति की अनुकंपा एवं पूज्य गुरु जी श्री सूर्य भान जी महाराज की कठिन साधना एवं मंत्रों की अलौकिक शक्ति से आवेष्टित दिव्य जड़ी बूटियों में समाई उपचार की अलौकिक शक्ति हर प्रकार की पथरी के रोगियों के लिए वरदान साबित हो रहा। यह दिव्य औषधि योग हजारों पथरी रोगियों को ऑपरेशन से बचाकर पुनः स्वास्थ्य की संजीवनी प्रदान कर चुका है। गुर्दे की पथरी, पित्ताशय की पथरी या मूत्र संस्थान की पथरी से पीड़ित रोगियों को ऑपरेशन से बचाने वाली अलौकिक शक्ति से भरपूर है अलौकिक उपचार का यह कोर्स। यह औषधि केवल पथरी को गलाकर समाप्त नहीं करती बल्कि पुनः पथरी बनने की समस्या से भी छुटकारा दिलाती है, यानी स्वास्थ्य और धन दोनों की रक्षा। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में राजा खेड़ा स्थित आदिशक्ति धाम के संस्थापक पूज्य गुरुजी श्री सूर्य भान जी महाराज अलौकिक उपचार की चमत्कारी शक्ति में अपने गुरुदेव अनंत श्री विभूषित महायोगी पल्लन बाबा व माँ आदिशक्ति की प्रेरणा एवं कृपा मानते हैं। आदिशक्ति अलौकिक उपचार के अंतर्गत डायबिटीज, जोड़ों के दर्द, गैस एवं मोटापा घटाने के लिए भी प्रभावशाली योग उपलब्ध हैं। पूरे भारत वर्ष में कहीं भी आप घर बैठे अलौकिक उपचार किट मंगवा सकते हैं, जिसका कुल खर्च है मात्र 3,100 रुपए। संपर्क सूत्र 9451258052, 9599081730 और 8376852313। समाज सेवा और मानव धर्म के इस महा अभियान में जुड़ने के इच्छुक भाई बहन का स्वागत है। आदिशक्ति चरणानुरागी पूज्य गुरुजी श्री सूर्य भान जी महाराज के श्री मुख से निसृत श्रीमद् भागवत कथा एवं आदिशक्ति धाम आश्रम गौशाला एवं गुरुकुलम के भूमि पूजन समारोह का विशेष प्रसारण गुरुजी द्वारा संस्थापित आदिशक्ति धाम आश्रम श्री गोगा गोरक्ष गोविंद गौशाला एवं महायोगी पल्लन बाबा वेदांत विद्यापीठ वैदिक गुरुकुलम के लिए आजीवन संरक्षक सेवा 2,51,000 रुपए, आजीवन सदस्य सेवा 51,000 रुपए, पंचवर्षीय सदस्य सेवा 11,000 रुपए, एक गौ माता को गोद लेने की आजीवन सेवा 25,000 रुपए, एक गौ माता के लिए एक वर्ष की गौ ग्रास सेवा 11,000 रुपए, एक गौ माता के लिए एक मास की गौ ग्रास सेवा 1,100 रुपए, अपने परिजनों या पूर्वजों के नाम एक कमरे का निर्माण करवाकर शिलापट्ट पर नाम अंकित करवाने की सेवा 1,51,000 रुपए। पूज्य महाराज श्री द्वारा श्री गौ कृपा अनुष्ठान संपन्न करवाने की सेवा 1,11,000 रुपए। सरदार भाग खड़े हुए,
और जाकर के मामा कंस को सूचना सुनाई है, हे नाथ प्रलय हो गया, वो यशोदा का नंद का कुमार काल बन करके नगरी में भ्रमण कर रहा है। छा रहे हैं मथुरा नगरी के ऊपर में, वे दोनों बलराम और कृष्ण अब रंग भूमि में आ पहुंचे हैं। ग्वाल बालों की बड़ी भीड़ उनके साथ में है और वो तो बात बात में गाली देते हैं, बात बात में लाठियां उठा लेते हैं। और इतना ही नहीं, धनुष के दो टुकड़े करके उन्होंने रंग भूमि में डाल दिए हैं। हम तो केवल इतना ही कहना चाहते हैं, महाराज अब किसी की खैर कुशल दिखलाई नहीं पड़ रही है। कंस ने दरबार लगाया है, सभी सिपाही सालारों को सामने बिठलाया। इधर श्याम सुंदर जब कंस के दरबार में जाने के लिए घुसने लगे तो दरवाजे पर, मुख्य द्वार पर एक मदमस्त हाथी ठहराया गया है जिसका नाम है कुवलिया पीड़। महावत ने हंस करके जवाब दिया है, भैया अगर अंदर प्रवेश करना है, भवन में प्रवेश करना है तो इस हाथी से पहले निपट लो, वही योद्धा इस महल के अंदर जा सकता है जो अपनी माता का दूध पी करके आया हो और इस हाथी को पछाड़ सके। 10,000 हाथियों की ताकत इस कुवलिया पीड़ हाथी में है। पहले मेरी हाथी की ताकत को आजमाओ, उसके बाद में अंदर जाने का विचार करो। श्याम सुंदर उसकी बकवास को, पीलवान की बातचीत को, वार्तालाप को, दुर्व्यवहार को बड़ी शालीनता के साथ सुनते रहे। जब जरूरत से ज्यादा बोलता रहा तो मनमोहन ने कहा, तुम जो सुनना चाहते हो वो सुनो। हम यदुवंशी कहलाते हैं, अब कह दे तो रंग दिखा डाले, कह दे तो रंग दिखा डाले। कह दे हड्डी पसली करके हाथी को गेंद बना। I'm not afraid.
जाकी रही भावना जे। प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, किसने किस प्रकार का दर्शन पाया है आज ध्यान देना भक्तों। देवों ने देखा देव रूप, जो देवता गण यत तत्र कहीं से छिप छिप करके दर्शन कर रहे हैं, उन्होंने परमात्मा के रूप में देव के रूप में दर्शन किया है। देवों ने देखा देव रूप, राजाओं ने राजा जाना, और ग्वालों ने सखा भाव देखा, ग्वालों ने सखा भाव देखा, बाबा जी ने बेटा। पराजित नहीं कर सकता, जीत नहीं सकता। उन्होंने देखा महावीर, इसलिए तुरंत युवकों के आगे यादवेंद्र, के आगे यादवेंद्र यौवन का मटोल जाने लगे। युवकों के आगे यादवेंद्र यौवन का मटोल जाने लगे। वीरों ने महावीर के रूप में दर्शन किया है, राजाओं ने राजा देखा, बाबा नंद अपना बेटा मान करके दर्शन कर रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, उसी तरह से दर्शन प्रदान किया है श्याम सुंदर ने। श्याम सुंदर को सम्मुख देख करके, अपने काल को आया हुआ देख करके कंस राज सिंहासन से तड़प उठाए, और सभी सुरमाओं वीर सरदारों को बुला करके बोला, रहे हो दाओ जल्दी से आगे बढ़ो और इस दुष्ट का संहार कर दो। ए दिलावरों महावटो जल्दी से आओ, मुष्टिक और चारूण को तुरंत पुकारा है। कंस राजा क्रोध में आकर के अपने सरदारों को सिपाहियों को योद्धाओं को पुकारने लगा,
पकड़ो इन दोनों लड़कों को, मार दो उठाकर पृथ्वी पर, चीर दो नंद के ग्वालों को, बलिदान चढ़ा दो देवी पर। कंसराज की बात को सुनकर के आज बड़े बड़े सूरमा तीर तलवारों को लेकर के दौड़े हैं, मुष्टिक और चारूढ़ से बड़े बड़े योद्धा आज टूट पड़े श्याम सुंदर के ऊपर और कहने लगे, बालकों ये घर का जलसा है इसलिए तुमको अभी तक जीवित छोड़ा हुआ है। हम तुम्हें खेल खिला रहे हैं और तुम आक्रोश दिखा रहे हो, वीरता दिखा रहे हो। अगर वीरता ही दिखाना चाहते हो तो भरे दरबार में दिखाओ, सबके सम्मुख दिखाओ, आओ हमारे साथ मल्ल युद्ध करो। दो चार पेंच जो अब तक सीखे हो दूध दही खा करके तो हमें भी दिखला दो, सिखला दो। श्याम सुंदर कहने लगे, रे हम तो दोनों भैया मामा जी की सेवा में हाजिर हैं, हम युद्ध लड़ना कुश्ती लड़ना क्या जाने, हम तो मामा जी की सेवा के लिए आए हैं। अगर मल्ल युद्ध ही करना चाहते हो, कुश्ती करना चाहते हो, लड़ना चाहते हो तो लड़ लो, लेकिन देखो भैया हम बालक हैं, बालकों की तरह से खिला लेना है, कहीं अपने दांव पेच मत दिखलाना, हमें कुश्ती उस्ती आती नहीं है, हमें कोई दांव पेच की जानकारी नहीं है। इतना कह करके आज श्याम सुंदर अखाड़े में कूद पड़े। शंख और चारूढ़ दोनों पहलवान आज श्याम सुंदर से हाथ मिला रहे हैं,
कृष्ण और चारूड़ मल्ल, कृष्ण और चारूड़ पहलवा हाथ कृष्ण से मिला रहे हैं। खेल खिलाने लगे, इस तरह से श्याम सुंदर ने लड़ते लड़ते मुष्टिक और चारूड़ दोनों का उद्धार कर दिया। और इन दोनों का बेड़ा पार करने के बाद श्याम सुंदर आगे बढ़े तो कंसराज आज देख करके भयभीत हो गया, क्योंकि अब दरबार में कोई भी योद्धा नहीं बचा था जो कृष्ण और बलराम को रोक पाता, भिड़ पाता उनसे। जब देखा सिर पर काल खड़ा तो कंसासुर तत्काल उठा, तलवार निकाल मन में आया कि एक बार निकल भाग खड़े हुए, लेकिन फिर भी झटके में तलवार को खींचने लगा और तलवार नंगी हाथ में लेकर के आगे बढ़ा है कंसराज। थोड़ा बहुत साहस जुटाया, हौसला अपना बढ़ाया है। और दीनानाथ पर वार करते करते हाथ से तलवार छूट गई कंसराज के, सिर से राज मुकुट जमीन पर आ गिरा है।
और भगवान श्याम सुंदर ने मामा के कंस के केसों को पकड़ लिया। सिर ताज गिरा, सिर पेच गिरा, ये दशा हो रही है कंस राज की। सिर ताज गिरा, सिर पेच गिरा, और सिर के सब पड़े प्रभु के कर में। Hare Jai Nanda Nandan Govind।
तरह से समस्त देवी देवताओं ने आरती उतारी है, भगवान की जय जयकार की, पुष्पों की वर्षा की है। एक बार आप लोग भी प्रेम से बोलिए, सांवरिया सरकार की जय हो। नाना उग्रसेन को राज तिलक करके श्याम सुंदर ने गद्दी पर पुनः बैठा दिया। माता देवकी और वसुदेव जी को जेल से रिहा करवाया है और न जाने कितने साधु संत महात्मा जेलों में सड़ रहे थे कंस राज के अत्याचार से, उन सबको अभयदान दे करके श्याम सुंदर ने भय मुक्त किया। नाना प्रकार की लीलाएं करते करते श्याम सुंदर ने इस संसार का, इस जगत का कल्याण किया है। आगे की कथा पर हम आपको ले चलेंगे। सांवरिया सरकार ने आगे चलकर द्वारिका में निवास किया और द्वारिका में रहते हुए फिर किस तरह से, जो लोग बतलाते हैं कि 16,108 रानियां थी श्याम सुंदर के, वो कैसे बनी, उस कथा पर ले चलेंगे। समय बहुत थोड़ा है, वृत्तांत अधिक है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कभी पार नहीं पा सकते। एक सप्ताह का विधान करो या एक महीने का, इस बीच में हम आमंत्रित करेंगे, तैयारी कर लें भाई बंधु। अनेक गौ भक्त यहाँ पर उपस्थित हुए हैं क्योंकि ये श्री गोगा गोरक्ष गोविंद गौशाला के भूमि पूजन का समारोह है। बाराबंकी जनपद से कई मूर्धन्य कलमकार और कवि पधारे हैं। इस क्षेत्र के भी बाल वृंदों ने बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं की हैं गौ माता के पक्ष में। उनके भावों को हम आपके समक्ष रखना चाहेंगे, कैसी भावना है इन बच्चों की। उन नामों को लाएं जो बच्चे अपनी रचनाएं लेकर के पधारे हैं। सर्वप्रथम हम आमंत्रित करेंगे जो सबसे वयोवृद्ध और बहुत ही, किन शब्दों में बताएं, हर विधा पर उनकी अच्छी पकड़ है। आशु कवि भी हैं, ओज कवि भी हैं, रसिक भी हैं और भक्त भी हैं। बाराबंकी जिले से पधारे हैं, खुशलीपुर धाम से हमारे श्री शत्रुघ्न लाल विद्यार्थी जी। उन्हें आमंत्रित करेंगे, फिर बाल गोपाल आप सभी के समक्ष अपनी अपनी रचनाएं लेकर के प्रस्तुत होंगे। सभी लोग तैयारी कर लें
आनंद ही आनंद बरस रहा।
मधुर शब्द कानों में गुंजायमान होते हैं और मानो ये प्रेरणा देते हैं कि आगे बढ़ो और जगत का उद्धार करो। वाह मधुरी मधुरी अजब धुन, शक्ति अलौकिक उपचार ऋषि परंपरा का अद्भुत वरदान। पथरी के कारण ऑपरेशन करवाना अब आपकी मजबूरी नहीं, आप जी सकते हैं शुगर मुक्त जीवन। जोड़ों के दर्द से मिलेगा छुटकारा। प्राकृतिक जड़ी बूटियों की शक्ति मां आदि शक्ति की अनुकंपा एवं पूज्य गुरुजी श्री सूर्य भान जी महाराज की कठिन साधना एवं मंत्रों की अलौकिक शक्ति से आवेष्टित दिव्य जड़ी बूटियों में समाई उपचार की अलौकिक शक्ति हर प्रकार की पथरी के रोगियों के लिए वरदान साबित हो रहा यह दिव्य औषधि योग हजारों पथरी रोगियों को ऑपरेशन से बचाकर पुनः स्वास्थ्य की संजीवनी प्रदान कर चुका है। गुर्दे की पथरी, पित्ताशय की पथरी या मूत्र संस्थान की पथरी से पीड़ित रोगियों को ऑपरेशन से बचाने वाली अलौकिक शक्ति से भरपूर है अलौकिक उपचार का यह कोर्स। यह औषधि केवल पथरी को गलाकर समाप्त नहीं करती
बल्कि पुनः पथरी बनने की समस्या से भी छुटकारा दिलाती है, यानी स्वास्थ्य और धन दोनों की रक्षा। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में राजा खेड़ा स्थित आदि शक्ति धाम के संस्थापक पूज्य गुरुजी श्री सूर्य भान जी महाराज अलौकिक उपचार की चमत्कारी शक्ति में अपने गुरुदेव अनंत श्री विभूषित महायोगी पल्लन बाबा व मां आदि शक्ति की प्रेरणा एवं कृपा मानते हैं। आदि शक्ति अलौकिक उपचार के अंतर्गत डायबिटीज, जोड़ों के दर्द, गैस एवं मोटापा घटाने के लिए भी प्रभावशाली योग उपलब्ध हैं। पूरे भारत वर्ष में कहीं भी आप घर बैठे अलौकिक उपचार किट मंगवा सकते हैं, जिसका कुल खर्च है मात्र 3,100 रुपए। संपर्क सूत्र 9451258052, 9599081730 और 8376852313। समाज सेवा और मानव धर्म के इस महाअभियान में जुड़ने के इच्छुक भाई बहन का स्वागत है। आदि शक्ति चरणानुरागी पूज्य गुरुजी श्री सूर्य भान जी महाराज के श्री मुख से निसृत श्रीमद् भागवत कथा एवं आदि शक्ति धाम आश्रम गौशाला एवं गुरुकुलम के भूमि पूजन समारोह का विशेष प्रसारण गुरुजी द्वारा संस्थापित आदि शक्ति धाम आश्रम श्री गोगा गोरक्ष गोविंद गौशाला एवं महायोगी पल्लन बाबा वेदांत विद्यापीठ वैदिक गुरुकुलम के लिए आजीवन संरक्षक सेवा 2,51,000 रुपए, आजीवन सदस्य सेवा 51,000 रुपए, पंचवर्षीय सदस्य सेवा 11,000 रुपए, एक गौ माता को गोद लेने की आजीवन सेवा 25,000 रुपए, एक गौ माता के लिए एक वर्ष की गौ ग्रास सेवा 11,000 रुपए, एक गौ माता के लिए एक मास की गौ ग्रास सेवा 1,100 रुपए, अपने परिजनों या पूर्वजों के नाम एक कमरे का निर्माण करवाकर शिलापट पर नाम अंकित करवाने की सेवा 1,51,000 रुपए। पूज्य महाराज श्री द्वारा श्री गौ कृपा अनुष्ठान संपन्न करवाने की सेवा 1,11,000 रुपए।